हो, मेरी तो मत मारी गई थी कि मैं शारदा के साथ शर्त लगा बैठी। शर्त लगाई तो लगाई, और वो भी 5000 रुपए की। सुने तो कभी भी 5 लाख के नीचे शर्त लगाए ही नहीं। भाभी भाभी, शर्त में महत्व पैसों से ज्यादा साहस का होता है। हम दूसरों से अधिक आगे हैं, ये प्रूफ करने के लिए हम शर्त लगाते हैं ना, कि मम्मी जी। ओहो, तुम दोनों अपना अपना दिमाग किसी और ही दिशा में चला रहे हो। मैं यहाँ पर शर्त लगाकर फंस चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये शर्त कभी नहीं जीत सकूंगी। सासू माँ, ऐसे कैसे नहीं जीत सकती? आप मुझे ड्राइविंग सिखा दीजिए ना, मुझे लाइसेंस भी मिल जाएगा और हम शर्त जीत भी जाएंगे। मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तू इस जन्म में तो कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाएगी। क्यों मॉम? पर मॉम, आपने ऐसा क्यों कहा? अरे इसे लेफ्ट राइट का तो पता है नहीं, ये कार क्या चलाएगी? नहीं नहीं सासू माँ, मुझे पता है। देखिए, इसे राइट कहते हैं, इसे लेफ्ट कहते हैं। हाँ देखा सोनिया, अब तुम ही बताओ ये ड्राइविंग कैसे सीखेगी? नहीं, अगर ये कार चलाने के लिए रास्ते पर गई ना तो पूरा ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगी? अरे तेरा लेफ्ट राइट देखकर हम क्या, कोई भी बता देगा कि तू ड्राइविंग कभी नहीं सीख पाएगी। मम्मी जी, एक बार मुझे सिखा दीजिए ना प्लीज। और ड्राइविंग सिखाते वक्त मुझे कुछ हो गया और मैं तुम्हारी जीत देखने के लिए बची नहीं तो? नहीं नहीं सासू माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? भले हमारे बीच में टॉम एंड जेरी वाले रिलेशन हो, लेकिन सासू माँ सच बोलूं, मेरे मन के कोने में ना कहीं थोड़ी सी आपके लिए प्यार वाली जगह तो है। यस मॉम, शी इज राइट। वो आपको भी बहुत प्यार करती है, इस बात में तो मैं मही से सहमत हूँ। अच्छा, तो तू ही सिखा दे इसे ड्राइविंग। मैं? हाँ। मॉम, मुझे कार चलाना कहाँ आता है? नहीं नहीं भाभी, अगर आपको आता भी है ना, फिर भी आप मुझे नहीं सिखा सकती, क्योंकि शारदा आंटी ने तो शर्त मम्मी जी से लगाई थी ना, इसलिए ड्राइविंग तो मम्मी जी आपको ही सिखाना पड़ेगा मुझे। और आप डर क्यों रहे हो सासू माँ? मैं सीखूंगी ना अच्छे से। और सासू माँ, ये तो आपकी इज्जत का सवाल है। सोचिए, अगर इस हार से हमारे खानदान के नाम पर दाग लग गया तो फिर आप जनता के सामने हारना पसंद करोगी? नहीं ना। तो फिर सोचिए सासू माँ, इस हार की बदनामी से नेक्स्ट इलेक्शन में आप हार गई तो? सोचो। नहीं नहीं, ज्यादा सोचे मत सासू माँ, सिखा दीजिए। कम ऑन मॉम, यू कैन डू इट। हाँ मम्मी जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ड्राइविंग सिखा दूंगी। हाँ, थैंक यू सासू माँ। चलिए चलिए, गाड़ी तैयार है। कहाँ? सीधी रियल गाड़ी पे? नहीं नहीं नहीं। ले, तो क्या खिलौने की गाड़ी पे सीखेंगे सासू माँ? अरे नहीं, पर यूँ एकदम रियल गाड़ी पे नहीं सिखाऊंगी, मैं तुम्हें अपने तरीके से सिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है सासू माँ, आप मेरी गुरु हो, आप जैसा ठीक समझो। बोलो क्या करना है। हाँ देखो, समझो, सोचो कि यहाँ गाड़ी है। हाँ, पर यहाँ कहाँ है मॉम? नहीं है, मैंने कहा सोचो कि यहाँ गाड़ी है। अच्छा, सोचना है। हाँ। अच्छा सासू माँ, सोचा कि यहाँ गाड़ी है, लेकिन गाड़ी की सीट, क्लच, ब्रेक, वो सब बताती हूँ। देख, ये है ड्राइवर सीट और ये है ड्राइवर के बाजू वाली सीट। हाँ? यानी कि ये 2 सीटर है, तो फिर सोनिया कहाँ बैठेगी मॉम? ये सोफा है ना, हाँ? ये गाड़ी के पीछे वाली सीट है, तुम यहाँ बैठो। हाँ? अच्छा, बैठ जाओ। ओके फाइन। मही, हाँ मही, तुम हाँ, ब्रेक, एक्सीलरेटर, ये है गाड़ी का क्लच, ये है गाड़ी की ब्रेक, और ये है गाड़ी का एक्सीलरेटर। हाँ, और गियर। ये है गाड़ी का गियर। हाँ, आओ गाड़ी के अंदर बैठो। हाँ, मैं इधर से आती हूँ। सासू माँ, हाँ जीती रहो, बैठो बैठो बैठो। ये क्या किया? सीट बेल्ट। सासू माँ, सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी नहीं चलाते, मुझे पता है। गुड, क्या बात है मही, वेरी गुड। मही देखो, ये है ना फर्स्ट बॉक्स, वो क्लच है। हाँ, उसके बाजू वाला ब्रेक और वो थर्ड वाला एक्सीलरेटर, और ये है गियर। इससे है ना गाड़ी की स्पीड चेंज होती है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है रिवर्स। याद रहा, याद कर लो। एक मिनट। हाँ, समझ गई। हाँ चलो अब गाड़ी स्टार्ट करो। इग्निशन। अच्छा हो गई। अब सबसे पहले अपना पैर क्लच पर रखो, फर्स्ट बॉक्स। हाँ दबाओ उसे, और ये गियर इसको फर्स्ट में डालना। हाँ ये, हाँ अब एक्सेलरेटर पर पैर रखो, दबाना नहीं। हाँ अब धीरे धीरे से क्लच छोड़ो और धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाओ, धीरे धीरे। हाँ साथ में, हाँ साथ में। क्लच पे पैर रखो। क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना क्लच पे से पैर धीरे धीरे उठाना। अच्छा। और धीरे धीरे एक्सेलरेटर दो, दोनों साथ में। अच्छा हाँ करो फिर से धीरे। हाँ 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 ये तुम्हारी गाड़ी चलने लगी। हाँ सासू माँ चल रही है गाड़ी। क्या बात है मही, मस्त चला रही हो और हवा भी कितनी अच्छी आ रही है। हाँ, अब है ना धीरे से राइट लो। हाँ ठीक है। मही क्या कर रही हो तुम? आपने तो बोला था राइट में लो और तुमने लेफ्ट में ले ली, वो भी बिना देखे। पीछे किसी को ठोक देती तो। सॉरी। इट्स ओके मही, होता है, इट्स ओके। मॉम मॉम मस्त म्यूजिक लगाओ ना थोड़ा सा। अच्छा हाँ। नहीं, ये कार में म्यूजिक ऑन नहीं होगा। सोनिया चुपचाप बैठो। ये कार में म्यूजिक सिस्टम नहीं है। भाभी 100 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी, पकड़ के रखना। मही थोड़ा सा स्लो चलाओ, अभी तो सोनिया को भी डर लग रहा है। थोड़ा सा स्लो। अरे कुछ नहीं होगा भाभी, मजा आ रहा है। मही रुक जाओ। अब तो मही नहीं रुकेगी मम्मी जी, मही तो बहती रहेगी। मही ट्रक सामने। बच गए। सासू माँ अब ये नकली ड्राइविंग बहुत हो गया, चलो ना असली वाली ड्राइविंग कर तो बहुत मजा आएगा। नहीं मैं जा रही हूँ। ये लोग चले क्यों गए? अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 3-4 दिनों से मॉम और मही ना हमारे साथ नाश्ता करते हैं ना खाना खाते हैं, बात क्या है? बात जो भी हो मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा है? सागर भैया हम लोग यहाँ ताश थोड़ी ना खेल रहे हैं। भाभी उनका मतलब है उनके लिए अच्छा है। क्या है ना, जब से मैडम और भाभी घर से बाहर लेती है मैं तो एकदम फ्री हो गया हूँ, कुछ काम ही नहीं है। अरे वाह कन्हैया लाल, अगर आप फ्री रहते तो आपको मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मैं आपको बहुत सारा काम दे देती थी। अच्छा ठीक है, अभी जितना काम देती हूँ ना आप सब कर डालेंगे। ओके पहले आप मेरा वार्डरोब साफ कर दीजिए और उसके बाद हाँ ड्रेसिंग टेबल भी साफ कर दीजिए। ओके ठीक है। तो कल कर दूंगा। कल क्यों? आज का काम तो मैडम देके गई है। क्या देके गई है? अलार्म करने का। वो अलार्म रखने गया अभी? भाभी आराम करने गया। आराम? ये आराम? सुनिए भाभी, आजकल मही और मॉम कैसे एक साथ रहते हैं ना, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। ये तो कुछ वैसा ही है ना कि सुषमा स्वराज और सोनिया गांधी एक साथ हो जाए। हाँ वैसे लोकपाल लाना है तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। करेक्ट बात कही आपने। सागर भैया मुझे नहीं लगता कि मही कभी भी ड्राइविंग सीख पाएगी। क्यों? सागर भैया उस दिन जब वो झूठ मूठ की ड्राइविंग कर रही थी ना तब मैं उसके पीछे ही बैठी थी। अच्छा। वो इतना तेज चला रही थी 120 की स्पीड पर, सोनिया तो डर गई। माय गॉड। भाभी फिलहाल कहाँ होंगे दोनों? फिलहाल तो वो रियल ड्राइविंग करने रास्ते पर गए हैं। अरे बाप रे।